Good morning class, this is our new pathology class in which today we will start our new chapter, that is fluid and hemodynamic changes. This is the fourth chapter of general pathology. देखिए general pathology के अंदर हमने सबसे पहला chapter cell tissue changes पढ़ा, दूसरा inflammation पढ़ा, तीसरा healing repairing पढ़ा और चौथा chapter है अपना fluid and hemodynamic changes. तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली अपनी बॉडी के अंदर आप जानते हो 80% वाटर पाया जाता है, जो अपना टोटल बॉडी वेट बना रहा है वो वाटर ब्लड के अंदर भी है, फ्लूड बॉडी फ्लूड के फॉर्म में भी पाया जा रहा होता है. तो इस बॉडी फ्लूड के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए या ब्लड के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको हम फ्लूड हीमोडायनेमिक चेंजेस के नाम से पढ़ते हैं. और ये डिस्टर्बेंस तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाना, दूसरा ब्लड के वॉल्यूम में चेंज आ जाना या डिस्टर्बेंस आ जाना, और तीसरा ब्लड के अंदर जो फ्लो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाना. ब्लड के फ्लो में डिस्टर्बेंस, ब्लड के वॉल्यूम में डिस्टर्बेंस और वाटर इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट में डिस्टर्बेंस आ जाना. तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट में जो डिस्टर्बेंस आता है उसका एग्जाम्पल होता है एडिमा, जो हम आज पढ़ेंगे. तो ये देखिए ये टॉपिक हमारे को आज की क्लास के अंदर पढ़ने हैं. सबसे पहले देखिए एडिमा क्या है. 40% बॉडी वेट जो है वाटर का बना हुआ है, 2/3 इसमें इंट्रा सेलुलर, 1/3 इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर को हम फिर डिवाइड करते हैं इंट्रावेस्कुलर, इंटरस्टिशियल और ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड के अंदर. तो ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको क्लियर दिया हुआ है. इंटरस्टिशियल 3/4 होता है, इंट्रावेस्कुलर 1/4 होता है और रिमेनिंग ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड पाया जाता है. नॉर्मल फ्लूइड का सर्कुलेशन कैसे चलता है, फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो वेस्क्यूलेचर के बीच में कंट्रोल किया जाता है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के द्वारा. एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर. वेस्क्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ब्लड वेसल्स में अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, और दूसरा प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर जो बाहर से अंदर की तरफ लगता है. ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूड को बैलेंस स्टेट में रखते हैं. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो आर्टेरियोलर के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जबकि ऑन्कोटिक प्रेशर वीनस एंड पर ज़्यादा पाया जाता है. फ्लूड का एग्जिट एंटीरियर से जो होता है, एंटीरियर एंड से उसको बैलेंस किया जाता है माइक्रो सर्कुलेशन के वेन्यूलर एंड पर इनफ्लो के द्वारा. माइक्रो सर्कुलेशन के वेन्यूलर एंड पर इनफ्लो के द्वारा उसको बैलेंस किया जाता है. थोड़ा बहुत रेजिडुअल अमाउंट में फ्लूड जो है एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूड लिम्फेटिक के रूप में लिम्फेटिक्स में ड्रेन्ड हो जाता है, लिम्फेटिक्स के द्वारा ड्रेन्ड हो जाता है जो थोड़ा बहुत बचता है. तो ये देखिए यहाँ पर ये बताया हुआ है पूरा पूरा कैसे HP और OP के अंदर जो है वो बैलेंस बना हुआ है आर्टेरियल्स के अंदर और वेन्यूल्स के अंदर, और 10% जो है वो लिम्फेटिक्स के द्वारा ड्रेन्ड हो जाता है. डायग्राम में ये चीज़ क्लियर बताई गई है. अब एडिमा क्या है. एडिमा इज़ एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड एबनॉर्मली किसी जगह पर, कौन सी, स्पेशली इंटरस्टिशियम में अगर इकट्ठा हो जाता है, एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाता है इंटरस्टिशियम में, तो उसको हम एडिमा कहते हैं. इंटरस्टिशियम मतलब स्किन के नीचे या बॉडी कैविटी के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है एडिमा. एडिमा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का जो इन्फ्लामेशन या इंजरी के दौरान दिखाई देता है. कोई इन्फ्लामेशन हुआ, कोई इंजरी हुई, तो उस दौरान एडिमा बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है. जैसे एंकल का ट्विस्ट हो गई, मक्खी ने काट लिया, स्किन पे इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब की वजह से एडिमा जो है उस एरिया में दिखाई देगा. कुछ केसेस जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि इसमें फ्लूड भर जाता है, ब्लड वेसल से निकलता है, अलाउज मोर इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स टू एंटर द अफेक्टेड एरिया. तो उससे क्या होता है कि जब वहाँ पर फ्लूड पहुँच जाता है तो उसके साथ में खूब सारे WBCs वगैरह वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन के साथ में फ़ाइट करती है उस अफेक्टेड एरिया में और हमारे को प्रोटेक्शन देती है.
अब ये पिक्चर बनी हुई है जिसमें नॉर्मल फुट और एडिमेटिक फ्लूड फुट जो है आपको दिखाया गया है। इस फुट में एडिमा हो गया, इसलिए देखो काफ़ी बड़ा एनला साइज का भारी पैर जो है वो दिखाई दे रहा है। अब एडिमा के कॉजेस, तो जैसा हमने बोला एच पी ओ पी में इम्बैलेंस आना, तो एच पी अगर बढ़ जाता है और ओ पी अगर कम हो जाता है उससे ब्लड वेसल वॉल की परमियबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसा इन्फ्लामेशन में होता है तब भी ऐसा हो जाएगा, या फिर फ्लूड लिम्फेटिक सिस्टम है फ्लूड क्लियरेंस में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होता है तब भी ऐसा दिखाई देता है, या वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है टिश्यू की खुद की तो उसमें एच पी बढ़ जाएगा। अक्सर ऐसा वाटर रिटेंशन और सोडियम रिटेंशन से होता है, जब किडनी के द्वारा सोडियम और वाटर रिटेन होने लग जाता है तो उससे एच पी बढ़ेगा और वाटर जो है वो रिटेन करने की प्रॉपर्टी टिश्यू के अंदर बढ़ जाती है। अब एच पी बढ़ता है वो देखिए कैसे बढ़ रहा है, तो एच पी जब बढ़ रहा है कैपिलरी के वेन्यूलर एंड पर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया है एच पी, तो बहुत कम या फ्लूड का रीअब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है वेन्यूलर एंड पर, और इससे क्या हो जाता है एडिमा जो है उस जगह पर दिखाई दे रहा होता है। तो ये ब्लड फ्लो, ये कैपिलरी दिखाई गई है कैपिलरी वॉल के साथ में नेट फ्लो हो रहा है आउट और इनसाइड दोनों दिखाया गया है, एच पी ओ पी इंक्रीज डिक्रीज आपको डायग्राम के अंदर बताए गए हैं, तो आप इससे ये चीज़ समझ सकते हो। अब ओ पी कम होता है तो लीवर के अंदर देखो, एक तो एच पी जो है वो कार्डिय के साथ में जुड़ी हुई कंडीशन है, कार्डिय में कोई भी डिसऑर्डर होगा तो एच पी बढ़ावा दिखाई देगा, और ओ पी जो है वो लीवर और किडनी के साथ में जुड़ी हुई है क्योंकि ओ पी प्रोटीन के साथ में जुड़ी हुई कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। और प्रोटीन का सिंथेसिस चलता है लीवर में और एक्सक्रीशन चलता है रीनल में, इसलिए लीवर या रीनल की डिजीज़ होगी तो ओ पी में चेंज दिखाई देगा, इस बात को याद कर लो। तो जब एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस लीवर में कम हो जाता है या प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, लीवर में तो बन रहा है पर आप डाइट में नहीं ले रहे हो तो प्रोटीन कम हो जाएगा, जिससे प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, फ्लूड का नेट मूवमेंट जो है इंटरस्टिशियल फ्लूड में इंटरस्टिशियल टिश्यू में होना स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि एडिमा कॉज हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन जो हमने कहा था कॉज वो इन्फ्लामेशन के एंडोथेलियल जो वॉल है कैपिलरी की उसमें अगर इंजरी हो जाए किसी टॉक्सिन से हिस्टामिन से एनोक्सिया से या किसी ड्रग की वजह से तो एंडोथेलियल गैप आ जाता है, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, इससे भी एडिमा कॉज हो जाता है। ये देखिए डायग्राम, ये मोनोसाइट दिखाई, बड़े अच्छे क्लियर पिक्चर दिखाए गए हैं, कैपिलरी वॉल में इंजरी हुई, स्मॉल अमाउंट में फ्लूड है वहाँ पर, ये नॉर्मल परमेबिलिटी बताई गई है कैपिलरी की, स्मॉल अमाउंट में उसमें फ्लूड मौजूद है। अब दूसरी कंडीशन जिसमें परमेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है कैपिलरी के इन्फ्लामेशन के दौरान, तो इंटरस्टिशियल स्पेस देखो कितना अच्छा बढ़ा हुआ दिखाया गया, देखो इस वाले में कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं है, यहाँ देखो स्पेस बढ़ गया, तो ऑब्वियस है भाई फ्लूड वगैरह जो है वहाँ पर लीक होने स्टार्ट हो जाएंगे, एंटी माइक्रोबियल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ नीचे बताया गया फ्लूड का लीकेज हो रहा है, मोनोसाइट यहाँ से स्क्वीज हो गई है इंटरस्टिशियल स्पेस से, यहाँ देखो मोनोसाइट एकदम ढंग से पड़ी हुई है, यहाँ पे स्क्वीज होकर कैसे बीच में फंस गई है, तो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने से फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट में चेंजेस आता है, प्रोटीन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, किसी ट्रॉमा की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा, एक्सुडेट ऐसे कंडीशन में बाहर आएगा कि प्रोटीन बाहर आ रहा है, देखो केवल अगर फ्लूड बाहर आएगा तो उसको अपन कहते हैं ट्रांसुडेट, और अगर फ्लूड के साथ में प्रोटीन का भी लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं एक्सुडेट। केवल फ्लूड अगर बाहर आ रहा है कैपिलरी वॉल से तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसुडेट, और अगर फ्लूड के साथ में प्रोटीन निकलना भी स्टार्ट हो जाता है तो कंडीशन कहलाती है एक्सुडेट, इसको याद कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट, ट्रांसुडेट इज द लीकेज ऑफ फ्लूड फ्रॉम कैपिलरी वॉल एंड एक्सुडेट इज द लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूड। फोर्थ है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज इम्पेयर्ड हो जाए तो उससे क्या होगा, उस लोकल जगह पर लिम्फोडीमा हो जाएगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज इम्पेयर्ड होते लिम्फ इकट्ठा हो जाए तो लिम्फोडीमा वो कंडीशन कहलाती है। ऐसा कब होता है, रेडिकल मेटास्टॉमी मेस्टेक्टॉमी अगर करवाई जाती है, जब कैल्शियम ब्रेस्ट देखने को मिलती है,
ब्रेस्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, या लिम्फ डक्ट मेन लिम्फ डक्ट पर प्रेशर होता है, या इन्फ्लामेशन होता है लिम्फेटिक्स में, या मैलिग्नेंट सेल के द्वारा लिम्फेटिक में ऑक्लूजन आ जाए, या पाइलरियासिस हो जाए, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो ये देखिए ऑब्स्ट्रक्टेड लिम्फेटिक दिखाई गई है, तो ये ऐसे प्रोटीन वगैरह का लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट है फिफ्थ, सोडियम वाटर का रिटेंशन। जब हाइपोवोलेमिया कंडीशन आती है तो रीनल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, GFR कम हो जाएगा और सोडियम वाटर रिटेन रहने लग जाएगा किडनी की वजह से, इससे एडिमा हो जाएगा, या हाइपोवोलेमिया की वजह से रेनिन और एल्डोस्टेरोन में चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा, या ADH बढ़ जाता है जिससे कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होने लगेगा जिससे सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा और एडिमा कॉज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एक्चुअली मैकेनिज्म है एडिमा के, जो आप याद करिए, एग्ज़ाम में आपको ये लिखना है, एरो वाइज आपको ये डायग्राम बनाना है। अब क्लासिफिकेशन, एडिमा दो तरह का होता है, जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड। अगर बॉडी में जनरली कहीं पर भी एडिमा हो चुका है तो वो जनरलाइज्ड एडिमा कहलाएगा, और किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ है तो वो लोकलाइज्ड एडिमा कहलाता है। जनरलाइज्ड एडिमा की कंडीशन में आप स्वेलिंग और पफिनेस देखते हो और वेरियस बॉडी पार्ट्स में वाटर रिटेन होने लगता है, वेरियस बॉडी पार्ट जैसे एब्डोमेन में, आर्म्स में, लेग्स में, फेस में और फीट यानी पैरों के अंदर। सिम्टम में भाई आफर आ जाना, जिसको आप कहते हो ना, पेट फूल जाएगा, स्किन टाइट हो जाएगी और पिटेड स्किन जो है वो दिखाई देगी है। जनरल एडिमा कौन कौन सी कंडीशन में दिखता है, कंजेसिव हार्ट फेलियर में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, लिवर सिरोसिस में और सिस्टमिक इन्फेक्शन के अंदर दिखाई देता है। ये जनरलाइज एडिमा देखिए, राइट साइड हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन का की कमी आ जाती है। और नेफ्रिटिक सिंड्रोम तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ भाई, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा है ना ये आपने, ये सब नेफ्रिटिक सिंड्रोम है। या लिवर डिजीज़ हो जाए, या बेरी बेरी डिजीज़ विटामिन की कमी से होती है, पढ़ी हुई है आपने ये भी। अब लोकलाइज्ड एडिमा क्या है भाई, एडिमा किसी पर्टिकुलर पार्ट या किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन में या कैविटी में हो रहा होता है वो लोकलाइज्ड एडिमा कहलाता है। ये वेरियस कंडीशन से जुड़ी हुई, जैसे ट्रॉमा, इन्फेक्शन या फाइलरियासिस की वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन में आ जाता है। अब ये थ्रोम्बोसिस क्या होता है तो ये हम पढ़ेंगे, फाइलरियासिस आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है, इकाइनोकोकस ग्रैन्यूलोसिस इन्फेक्शन होता है, हाथी पाँव रोग आपने पढ़ा है वो फाइलरियासिस ही था। ये लोकलाइज्ड एडिमा इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड वेसल्स वगैरह में, लिम्फेटिक्स में, या इमेसिएशन से हो जाता है, या बुढ़ापे में होता है, या एलर्जी कंडीशन से देखने को मिलता है। अब इसके अलावा एक और एडिमा का क्लासिफिकेशन है, पिटिंग और नॉन पिटिंग। पिटिंग क्या है, जब फ्लूड, क्योंकि एडिमा में क्या हो रहा है, फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा है, जब फ्लूड प्रेशर डालने पर डिस्प्लेस होता है तो वो पिटिंग, और डिस्प्लेस नहीं होता तो नॉन पिटिंग। सिंपल वर्ड्स में याद करिए, फ्लूड डिस्प्लेस्ड एडिमा, एडिमेटिक फ्लूड डिस्प्लेस्ड ऑन प्रेशर, देन दिस टाइप ऑफ एडिमा इज नोन एज पिटिंग एडिमा, अनदर टाइप इज नोन एज नॉन पिटिंग एडिमा। तो देखिए क्यूटेनियस एडिमा को अपन पिटिंग कहते हैं, जब प्रेशर अप्लाई करने पर किसी स्मॉल एरिया जहाँ एडिमा हुआ है वहाँ प्रेशर अप्लाई होने पर इंडेंशन परसिस्ट कर जाता है, तो इंडेंशन होता है और वो परसिस्ट कर जाता है प्रेशर रिलीज होने पर भी, तो वो पिटिंग एडिमा कहलाता है। पेरिफेरल पिटिंग एडिमा कॉमन टाइप का होता है, वाटर रिटेंशन की वजह से हो रहा होता है, ये सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से कुछ वेमेन में, कई डायरेक्टली और कई हार्ट फेलियर की वजह से, कुछ लोकल कंडीशन जैसे वेरिकोज वेन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है भाई, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स, या इंसेक्ट के बाइटिक के, इंसेक्ट कोई खटमल काट जाए या कोई और इंसेक्ट बाइट कर जाए तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। डर्मेटाइटिस, स्किन का इन्फ्लामेशन उसमें देखने को मिलता है। नॉन पिटिंग एडिमा जब इंडेंशन परसेस नहीं करता, ये जुड़ा हुआ है लिम्फोडीमा के साथ में, लिपिडीमा, मिक्सोडीमा, ये सब नॉन पिटिंग के एग्जांपल है, मिक्सोडीमा, लिपिडीमा और लिम्फोडीमा या लिम्फेडीमा। तो ये देखिए पिटिंग एडिमा, प्रेशर अप्लाई करने पर स्वॉलिंग एरिया जो है उसमें इंडेंशन हो गया और वो परसिस्ट कर गया। अब मेजर टाइप, अलग अलग टाइप के एडिमा देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, सर्टेन बॉडी पार्ट पर दिखाई देते हैं, जबकि कुछ जो है वो जनरलाइज होते हैं। एडिमा मेजरली क्लासीफाई कहते हैं पेरिफेरल,
पल्मोनरी और सेरेब्रल एडीमा, अब पेरिफेरल एडीमा मेनली लेग्स में, फीट में, एंकल्स में दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन टाइप है ये एडीमा का। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह का एडीमा जो है वो बुढ़ापे के साथ में, प्रेगनेंसी में, हाइपरटेंशन से जुड़ा हुआ है, बीपी हाई हो जाए तो, कंजेसिव हार्ट फेलियर किसी में हो जाए, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो या दूसरी कोई हेल्थ कंडीशन हो तो पेरिफेरल एडीमा देखने को मिलता है। इसके अलावा पेरिफेरल एडीमा आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है भाई, सिटिंग कंडीशन में भी, अगर लंबे समय तक आप खड़े रहें या बैठे रहें बहुत लंबे समय तक, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, और कई बार कुछ दवाइयों की वजह से जैसे नैसिड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सम इसको कॉज कर सकती है। कॉर्टिको में प्रिडनिसोलोन, प्रिडनिसोन और मिथाइल प्रिडनिसोलोन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ये एंकल और फिट में एडीमा दिखाया गया है, स्वेलिंग दिखाई दे रही है ना। अब जो एग्जाम्पल है पल्मोनरी एडीमा, कॉमनली पल्मोनरी, कार्डियक, सेरेब्रल, ये एडीमा कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो पहला पल्मोनरी एडीमा, इसमें फ्लूइड लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है पल्मोनरी वेन के ब्लॉकेज की वजह से। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ब्लड वेसल के अंदर, लंग्स की ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो फ्लूइड जो है वो रश होता हुआ लंग्स में भर जाता है। प्लूरल कैविटी के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। इस तरह केसेस को पल्मोनरी एडीमा ये कहलाता है। ये प्लूरल इफ्यूजन के साथ में भी देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडीमा यूजुअली माल फंक्शनिंग करवा देता है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल की, जिससे कि पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS किसी को हो गया हो या हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन किसी को हो गई हो तभी पल्मोनरी एडीमा देखने को मिलता है। तो पल्मोनरी एडीमा जो है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल की माल फंक्शनिंग की वजह से कॉमनली देखने को मिलता है। मेन कारण इसका ये है, और उसके अलावा ARDS और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो उसमें अगर आप देखोगे इस तरह के एडीमा को तो पिंक फ्रॉदी स्पटम ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ये क्लासिकल सिम्टम है इस एडीमा का कि पिंक फ्रॉदी गुलाबी झागदार जो सलाइवा है, जो थूक है, जो स्पटम है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मल लंग्स देखिए और ये एडीमेटिक लंग्स देखिए। इसमें आपको एल्वियोला एकदम क्लियर दिखाई देता है, इसमें कोई फ्लूड भरा हुआ नहीं है। यहाँ पर फ्लूड भरा हुआ है एल्वियोलाई में और लीकेज हो रहा है लंग्स के अंदर इसका। दूसरा सेरेब्रल एडीमा, फ्लूड इसमें इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस जो ब्रेन में पाए जाते हैं उसके अंदर इकट्ठा हो गया है। क्यों हो गया? मेटामेलिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से, कोई डिजीज़ हुई होगी या हाई एटीट्यूड जाने पर जब ऑक्सीजन की डेप्रीवेट हो जाता है तब भी ऐसा देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की कमी आते ही पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो सेरेब्रल एडीमा देखने को मिलता है। ये वेरी सीरियस फॉर्म है एडीमा की, जिसकी वजह से पर्सन बेहोश हो सकता है और ब्रेन डैमेज उसका हो सकता है। सेरेब्रल एडीमा फिर तीन तरह का होता है, वैसोजेनिक, साइटोटॉक्सिक और इंटरस्टिशियल सेरेब्रल एडीमा। वैसोजेनिक, साइटोटॉक्सिक और इंटरस्टिशियल सेरेब्रल एडीमा, ये नैरो सल्काई और फ्लैट गायरी दिखाए गए हैं यहाँ पर सेरेब्रल एडीमा में। अब वैसोजेनिक सेरेब्रल एडीमा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर जब टूट जाता है तब ऐसा दिखाई देता है कि प्लाज्मा जो है वहाँ पर लीक, ब्रेन में लीक होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वाइट मैटर में पहुँचेगा, फिर ग्रे मैटर में पहुंचेगा। इस तरह का सेरेब्रल एडीमा जो है वो ट्यूमर से, ट्रॉमा से या कार्डियोवैस्कुलर इवेंट की वजह से देखा जाता है। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक सेरेब्रल एडीमा। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे ब्रेन की ग्लायल सेल्स है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप अगर डिस्टर्ब हो जाए, माल फंक्शनिंग हो जाए तो देखने को मिलता है, जिससे कि सोडियम वाटर इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रे और वाइट मैटर की स्वेलिंग देखने को मिलती है। ब्लड ब्रेन बैरियर इसमें अनएफेक्टेड रहता है, कोई असर नहीं होगा साइटोटॉक्सिक एडीमा में। ट्रिपल भी एकदम सही रहते हैं, केवल ग्लायल सेल माल फंक्शनिंग शो करती है। थर्ड है इंटरस्टिशियल एडीमा। इसके अंदर जो ब्रेन और CSF है उसका बैरियर टूट जाता है, रप्चर हो जाता है, जिससे कि CSF का इनफ्लो होने लगता है ब्रेन के अंदर। वाइट मैटर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में ये जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी होने लग जाती है, तो इंटरस्टिशियल एडीमा कहलाता है। बस, तो हमने सारे एग्जांपल्स भी पढ़ लिए एडीमा के। तो
तो एडिमा का नाम का टॉपिक अपना जो है वो पूरा हो चुका है। बाकी आपने बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो मैंने आपको बोला कि ब्लड के वॉल्यूम में डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसके फ्लो में डिस्टर्बेंस आता है। ब्लड के वॉल्यूम में डिस्टर्बेंस दो तरह का होगा, या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसके दो एग्जाम्पल होते हैं, हाइपरीमिया कंजेशन, और वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसके भी दो पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल है, हैमरेज और शॉक। हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर वॉल्यूम बढ़ने वाली कंडीशन पढ़ेंगे, दैट इज़ हाइपरीमिया एंड कंजेशन। आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।